हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुमुद्स व्लॉग्स कॉर्नर। और ये है मेरा पास द ब्रश चैलेंज का मेकअप लुक जो मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी कल। तो उसमें मेरा जो लुक था वो मैंने कैसे क्रिएट किया था वो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी मेकअप वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने मैंने फेस वॉश कर लिया था फेस वॉश से, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये अपना पर्पल का मेरा फेवरेट सीरम। ये मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ मेकअप से पहले, और इसका ना मतलब ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं उस पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना प्राइमर। पैक का प्राइमर है ये मेरा, 0 पोर सेपरेशन क्रीम भी है ये, ऐसे आप एज अ क्रीम भी लगा सकती हो सर्दियों में या गर्मियों में भी लगा सकती हो। बिल्कुल भी मतलब ये क्रीमी नहीं है, जैसे चिपचिपी होती है ना वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है। और इसके बाद लगा रही हूँ अपना मैं ये लैक्मे का फाउंडेशन। मेबलिन का मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, मैं सोचा चलो लैक्मे का यूज़ करके देखते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। बस प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें थोड़ा सा मतलब ये लाइट शेड है मेरी मतलब स्किन टोन से, लेकिन ये बहुत अच्छा जाता है फिर भी मेरे स्किन टोन के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना डॉट डॉट बना ली है अपने फेस पर फाउंडेशन से, और उसके बाद मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी उसे अच्छे से। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं फिंगर से भी ब्लेंड कर देती हूँ, कभी अपने ब्लेंडर से कर देती हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फिंगर से नहीं कर सकते हो, ब्लेंडर से ही करो या ब्लेंडर से नहीं कर सकते फिंगर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, बस कवरेज अच्छी आनी चाहिए। और इस फाउंडेशन की कवरेज ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेबलिन का मैंने लिया है लेकिन लैक्मे का ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कहीं जाती आती हूँ तो। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये एले गर्ल का अपना कंसीलर। ये कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मैंने बहुत कम यूज़ किया है अपने डार्क स्पॉट्स पे, जो मेरे फेस के डार्क स्पॉट्स हैं उस पर मैं अप्लाई कर लूँगी अपने कंसीलर को, और अपने जो मेरे फिंगर्स हैं उसे टैप कर लूँगी अच्छे से। अपनी जो मेरी आईब्रो का ऊपर वाला साइड है जहाँ पर मैं आई शेडो लगाऊँगी, तो वहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है। कंसीलर अप्लाई करने से जो आई शेडो है आपका वो निकल कर आएगा, इसीलिए मैंने कंसीलर भी अप्लाई किया है वहाँ पर, हमेशा ही मैं ऐसा करती हूँ। उसके बाद अपना ये जो मेरा कंसीलर है मैं ब्लेंडर की हेल्प से और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि क्रीजेज़ ना पड़े। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा केकी लगेगा। तो मेबलिन का लूज़ पाउडर लगाकर 2 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद अपने पूरे फेस पर इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और पूरा नीचे की तरफ ऐसे ना झाड़ दीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी मतलब फिनिशिंग आ जाएगी और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा आपका फेस। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये अपना आई शेडो। ये कोई मतलब पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नहीं है, मेरे पास रखा था वही है। इसकी ना मतलब जो इसका शेड है वो मतलब पलकों के ऊपर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। मुझे लेनी है अभी लेकिन लॉकडाउन चल रहा है तो मैं नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ पर ये ग्लिटर वाला मैं यूज़ कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि वो अच्छी फिनिशिंग नहीं दे रहा था जो मेरा आई शेडो था। ब्लू अप्लाई कर रही हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरा ये सूट है ये स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं ब्लू को ही ना थोड़ा हल्का सा मतलब लाइट वाले ब्लू के साथ थोड़ा मैश करके और गोल्डन के साथ करके थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरा मेकअप लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो बस यहाँ पर जो नीचे वाली है मेरी साइड है पलकों से ऊपर वाली बीच वाला जो पार्ट होता है ना इसका, वहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का अपना ये लगा लिया है आई शेडो। उसके बाद मैं कंटूर कर रही हूँ अपने फेस को। कंटूर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कंटूरिंग के बाद अपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं, और इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा पतला दिखेगा। वैसे मुझे कंटूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ नोज़ पर रहती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ तो कंटूर कर लिया मैं पूरा फेस। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर प्लस रूस है तो मतलब मुझे अलग से ब्लश मतलब ब्लश कहते हैं इसको, ब्लश है हाइलाइटर प्लस ब्लश, तो अलग से मुझे ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसी को कवर कर लेता है मतलब यही कवर कर लेता है ब्लश भी और हाइलाइटर भी। अपने ब्रश के साथ फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पर ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो सारा का सारा हाईलाइटर ना ब्लेंडर में चला जाएगा। अच्छे से मैंने हाईलाइट कर लिया है अपने फेस को, अपने चीक्स पर, अपने चिन पर, अपने फोरहेड पर, थोड़ा सा नोज़ पर,
आइस के कॉर्नर पे मैंने नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया था ये काजल, पर मैंने लगाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरिंग प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपनी लैक्मे 95 की फेवरेट शेड, मेरा लिपस्टिक पिंक शेड, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये। और ये ना मैंने ऑनलाइन देखी थी, ऑनलाइन मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने मार्केट में जाकर देखी, बहुत उम्मीद था मुझे मिली, बिंदी लगा ली है। और यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का अपना ये जो मेरा मेकअप स्प्रे है जो सेट कर देगा मेरे सारे मेकअप को, वो मैंने यूज़ कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं अपना फाइनल लुक। जो है ना सूट मेरे को बहुत पसंद है, स्काई ब्लू कलर मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। गोटा पट्टी का सूट है ये मेरा, गोटा पट्टी से पूरा वर्क हुआ रखा है इस पर दुपट्टे पर और आगे मेरे सूट में भी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।